हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पे कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DVV दानाया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चर्मोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफ़ी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहाम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयपति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नितिन जतन अर्धरम एल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह भद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयपति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है,
लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनों की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है, इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानैया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी, जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम ए फिल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दमू के बाद बोयापति श्रीनों के साथ उनका 4th सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम
को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा पूर्ण कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति स्ट्रीनों की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्यों और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेला रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रेयम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने
सरेनोडू और जे एम जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था। प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दम्मू के बाद भूयापति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक अपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी
कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि स्कोर, प्रदर्शन, अवस्तविक एक्शन अनुक्रम और चर्मोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम राम चरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबराय और सीता के रूप में कियारा अडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहाम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और जे एम जानकी नायक पर बोयापति सरेन के साथ काम किया था। प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दम्मू के बाद भूयपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक अपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं।
विनय विधेरम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डीवीवी दानया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चर्मोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और जे एम जानकी नायक पर बोयपति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दमू के बाद बोयपति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विधेयराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विधेयराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयपति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विधेयराम के साथ समस्या तेजा पूर्ण कारक नहीं है लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विधेयराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है लेकिन नहीं बोयपति श्रीनु की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विधेयराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और
यह चिकन ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्यान राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या रामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्या राम 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफ़ी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेला रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो तुषी पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयपति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनो के साथ उनका 14 सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्या राम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्या राम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयपति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्या राम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्या राम की एक अपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक
एक्शन में बनाया जा सकता है। लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनो की फिल्म के सात बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है, इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है, तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्या राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है विनय विद्या राम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्या राम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहाम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद बोयापति श्रीनु के साथ उनका 4th सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो विनय विद्या राम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्या राम एक अनूठी
फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है। विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विदराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विदराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनों की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है, तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्यान राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है विनय विद्यारामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन
और धर्म एक विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दमू के बाद गुहपति श्रीनों के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा पूर्ण कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनों की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है।
वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडलम रामचरण के रूप में हैं और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी, कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो खुशी पंजाबी जिन्होंने सरे नोडू और जे एम जानकी नायक परम बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनु के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनु की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्यों और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्यारामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म
कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफ़ी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम राम चरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबराय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी, कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और जे एम जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद भूयापति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनया विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। लोसी और अनियंत्रित पटकथा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से
बाहर नहीं निकल सकती है। फर्स्ट पोस्ट ने पांच में से डेढ़ स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद कम विनय विद्यान राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या रामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्या राम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयपति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम एल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दमू के बाद भूयपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्या राम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्या राम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयपति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्या राम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्या राम की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है लेकिन नहीं बोयपति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तर्क एट अल कहती है।
इंडियन एक्सप्रेस ने इन 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्यम और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्यान राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्यारामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेला रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयपति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में
खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विदराम के साथ समस्या तेजा पूर्ण कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमाई स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक अपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है, इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है, तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफ़ी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबराय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नितिन जतन अर्धरम एलसन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद बोयापति श्रीनो के साथ उनका 4th सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में
तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनया विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनया विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनों की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करती है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी, कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी
राम की वो सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें उनके प्रोडक्शन के बारे में तो खुशी पंजाबी जिन्होंने सरे नोडू और जे एम जानकी नायक परम बोयापति सरेनू के साथ काम किया था। प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दमू के बाद भूपति श्रीनों के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें उनके रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनों की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्यारामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनू द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए
संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को सिंह अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी पटकथा पृष्ठभूमि स्कोर प्रदर्शन अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबराय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और जे एम जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम एल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनया विद्या राम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा पूर्ण कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्या राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या रामा।
इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफ़ी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयपति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम एल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है। विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयपति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक अपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है लेकिन नहीं बोयपति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी
झगड़े गीतम नृत्यम और यच्छिकम ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विधान राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या रामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्या राम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्तविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयपति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम एल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दमू के बाद भूपति श्रीनों के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्या राम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्या राम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयपति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्या राम के साथ समस्या तेजा उन कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्या राम एक की
एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक वाणिज्यिक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है, इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है, तो यह सभी झगड़े गीत नृत्यों और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्यान राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है विनय विद्यारामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामचरण को कुंडेला रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। पुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रेयम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद बोयापति श्रीनो के साथ उनका 4th सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू के संगीता
देवी डिंडू ने लिखा गीत। विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए। यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है, इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है, तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चर्मोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफ़ी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहाम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने
से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नितिन जतन और धर्म एवं गुलशन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। फ्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसकी प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई।
और चरण को अपनी विफलता के लिए माफ़ी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबराय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और जे एम जानकी नायक पर बोयापति सरेनू के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम एल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दमू के बाद भूपति श्रीनों के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनों की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्यारामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और
कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेला रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनिडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और जे एम जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा पूर्ण कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं, ये एक
गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद कम विनय विद्या राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या रामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्या राम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफ़ी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। पुनीडलाम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयपति सरेनु के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सिम्हा और दम्मू के बाद भूयपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्या राम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्या राम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयपति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्या राम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्या राम एक अपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है लेकिन नहीं बोयपति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धतम बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण को
तथा बताती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्या राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या राम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्या राम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयपति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबरॉय और कियारा अडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्तविक एक्शन अनुक्रम और चर्मोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबराय और सीता के रूप में कियारा अडवाणी। कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयापति सरेनू के साथ काम किया था प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित्य जतन अर्धरम एल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनों के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्या राम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्या राम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को
दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विदराम के साथ समस्या तेजा वो कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति स्ट्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है, तो यह सभी झगड़े गीत नृत्यों और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते है। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्यान राम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है विनय विद्यारामा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रामचरण को कुंडेला रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी। कुनीडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रेयम के रूप में कुंडेला गायत्री देवी राम की सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और JM जानकी नायक पर बोयापति सरेनु के साथ काम किया था, प्रारंभिक छायाकार थे। शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम ए विल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह बद्राम सीमा और दम्मू के बाद बोयापति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधुन
1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनया विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ संयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनया विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। तर्क एट अल कहती है इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। क्लोसी और अनियंत्रित पटकथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और यादृच्छिक ऊंचाई संवादों के बीच हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्याराम। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय विद्याराम एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और DBV दानिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी हैं। संगीत की रचना देवीश्री प्रसाद ने की थी और यह फिल्म कुंडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुस्से में युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकलता है। इसके प्रियजनों के जीवन को खतरा होने के बाद और उसके बड़े भाई को मार दिया जाता है। फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसने आलोचना को से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और अपनी पुरानी कहानी, पटकथा, पृष्ठभूमि, स्कोर, प्रदर्शन, अवस्थाविक एक्शन अनुक्रम और चरमोत्सव के लिए एक बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई और चरण को अपनी विफलता के लिए माफी प्राप्त जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रामचरण को कुंडेलाम रामचरण के रूप में है और राजा भाई मुद्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय और सीता के रूप में कियारा आडवाणी।
कुनिडलम भुवन कुमार के रूप में प्रशांत है और श्रीहम के रूप में कुंडिला गायत्री देवी राम की वो सबसे बड़ी भाभी के रूप में दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो ऋषि पंजाबी जिन्होंने सरेनोडू और जे एम जानकी नायक परम बोयापति सरेनु के साथ काम किया था। प्रारंभिक छायाकार थे, शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिल्म का आधा हिस्सा शूट किया। नित जतन अर्धरम एल्सन ने बाकी हिस्सों को पूरा किया। यह भद्राम सीमा और दम्मू के बाद भूपति श्रीनो के साथ उनका चौथा सहयोग था। फिल्म ने थोली मधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों में तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी को भी चित्रित किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो विनय विद्याराम को दुनिया भर में 11 जनवरी 2019 को संक्रांति सप्ताह के साथ सहयोग से रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के रिलीज के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू के संगीता देवी डिंडू ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है, विशेष रूप से पटकथा लेखकों और निर्देशकों के लिए यह जानने के लिए कि कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 1.5 स्टार को दिए और कहा कि बोयापति एक कहानी के रूप में खुद की एक पीली छाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या तेजा कारक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा स्वतंत्रता को लेता है। भारत ने आज 5 में से 2 स्टार को कहा दिए और कहा कि विनय विद्याराम एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजक एक्शन में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बोयापति श्रीनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तर्क एट अल कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम स्टेरॉयड पर एक बालकृष्ण एक्शन फिल्म देखने जैसा है। फ्लोसी और अनियंत्रित पटकथा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि अगर कोई प्लॉट और एक कहानी है जो एक नोटिस के लायक है तो यह सभी झगड़े गीत नृत्य और याचिक ऊंचाई संवादों के बीच खो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 0.5 स्टार देकर कहा कि बताया कि फिल्म खुद को दिनांकित महसूस करते हैं। ये एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब स्टंट के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 1.5 स्टार देकर कहा कि यथार्थवाद का विनय विद्याराम की दुनिया में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।